एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा का असली टेस्ट। तो हमारे घर में जो गाड़ियों का बहुत रफ यूज़ होता है, तो आज हम इसके बूट स्पेस में 200-250 किलो सामान रख के देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है 17 इंचेस एलॉय पे। तो चल के देखते हैं कि सामान रखने के बाद बॉडी में टायर टच होते हैं नहीं होते। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो यहाँ पे सामान की लोडिंग शुरू हो चुकी है। तो अभी तक हमने यहाँ 2 कट्टे रखवाए हैं, तो हमें टोटल 5 कट्टे रखवाने हैं, जो कि 1 कट्टे का जो वेट है वो है 50 kg का। तो अभी तक 2 ही कट्टे आए हैं, तो अभी और कट्टे मंगवाता हूँ तो आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। और अभी 2 कट्टे के बाद कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है 17 इंचेस एलॉय पे, तो अभी और कट्टे रखवाने के बाद मिलता हूँ। तो यहाँ पर अब हम 4 कट्टे गाड़ी में रखवा चुके हैं और गाड़ी जो थोड़ी सी बैठनी शुरू हो गई है। तो 4 कट्टों का जो टोटल वेट है वो है 200 किलो का, तो हमें टोटल 250 किलो लेके जाना है, जो कि हमें एक और कट्टा भी रखवाना है। तो अब हम यहाँ पे 5 कट्टे गाड़ी में रखवा चुके हैं। तो अभी गाड़ी कुछ थोड़ी और बैठ गई है, पर बॉडी में टच बिल्कुल नहीं हो रही है। तो 5 कट्टे रखवाने के बाद जो वेट है वो है टोटल वेट 270 kg का। तो अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि ड्राइविंग पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। तो इस टाइम इतना लोड होने के बाद भी एसी ऑन है और गाड़ी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। तो हमारी गाड़ी जो है वो डीजल है और डीजल गाड़ियाँ बहुत टॉर्की होती हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही है। और इसे हमने गड्ढों में भी चलाया तो गाड़ी कहीं से भी टच नहीं हुई है नीचे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सारा सामान उतारने के बाद कितना स्पेस बचता है टायर और बॉडी के बीच में। तो अब हम सारा सामान गाड़ी से निकाल चुके हैं, कितना स्पेस टोटल बचा है गाड़ी पे 17 इंचेस एलॉय के बाद। तो कुछ ऐसी थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।